ऑफ असेंबिलिटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, या पहले पढ़ेंगे उस कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो देखिए, कॉम्पटन ने क्या किया था, एक पहले एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया तो उसको जो रिजल्ट मिले ना बेटा, वो कुछ इस हिसाब से मिले कि उसने फिर क्या बना दिया, हाँ जो रिजल्ट मिले ना वो इस हिसाब से मिले कि भाई उसने क्या कर दिया, फिर अपना एक इफेक्ट ही बना दिया, ठीक है। चाय आई थी, वापस भेज दिए, देखिए आई। चलो बेटा, चाय को छोड़ के अपन पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्ट करें। आओ बेटा देखो, हुआ क्या था कि एक एक्सरे किरण का क्या था, सोर्स था, उसको एक धातु की सतह पे क्या किया, आपतित करवाया गया, ठीक है। मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे कोई एक बंदा जैसे लाइट लेके खड़ा है, और उसको ये मान लीजिए धातु की क्या है, प्लेट है, उस पर क्या कर रहा है, गिरा रहा है, ठीक है। फिर हुआ ऐसे कि उसने क्या किया, एक एक्सरे डिटेक्टर लगाया। अब भाई सीधे से बात है, एक्सरे सोर्स है ना, एक काम की बात है छोटी सी कि भी एक्सरे सोर्स से है ना, हमें से क्या निकलती है, एक्सरे किरण ही निकलती है, अर्थात एक्सरे ही निकलेगी, ठीक है बेटा। तो एक्सरे से क्या निकली, एक्स किरणें निकली, कहाँ पे गिराई, को धातु की सतह पे गिराई, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो बेटा, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आज थोड़ी एनर्जी लेवल आपको क्या मिलेगा, कम सा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए, इसको बोलते हैं कोलिमेटेड, मतलब समांतर। क्या करेंगे भाई, इधर उधर जा रही थी, एक साथ क्या कर देंगे, दो किरणें निकलेगी तो क्या निकले, समांतर होके गुजरे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्रिस्टल, क्रिस्टल से टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी, एक्सरे डिटेक्टर, अर्थात एक्सरे संसूचक पे क्या होगी, आएगी और अपन क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। सर क्या टकराएगी, क्या आएगी, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ ना। चलो मेरे भी नहीं हुआ, आइए देखिए, एक्सरे किरण यहाँ से गुजारो, ठीक है बेटा, किसी धातु की सतह पे क्या करो, आप आपतित कराओ, तो क्या होगी, प्रकीर्णित होगी, प्रकीर्णित मतलब चारों तरफ दिशा में फैलेगी, ठीक है। इस दिशा में फैलेगी तो यहाँ पे क्या लगा दिए, समांतर, ताकि ये उधर ना चले जाए, कहाँ पे, क्रिस्टल पे टकराए, क्रिस्टल पे टकराएगी तभी तो किस पे आएगी, एक्सरे डिटेक्टर पे आएगी, और एक्सरे डिटेक्टर पता है क्या करता है, एक्सरे को डिटेक्ट करता है, अर्थात संसूचित करता है, अर्थात ये बताता है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आई, ठीक है। यहाँ तक केवल एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। अब देखो हुआ क्या था, एक शानदार ट्विस्ट आया था, जब उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा ले ली 5450 एंगस्ट्रॉम, मेरी मन से लिख रहा हूँ ये, ठीक है। इसकी क्या ली, लैम्डा ली, किसके लिए, एक्सरे के लिए, ये मन से लिखा है, ठीक है। तो इसको बोल दीजिए आपतित तरंग दैर्ध्य, क्या बोल दीजिए, आपतित तरंग दैर्ध्य बोल दिया बेटा, ठीक है। अब देखो आगे, ये यहाँ से निकली कितनी, 5450 की तरंग दैर्ध्य, कहाँ से निकली बेटा, एक्सरे सोर्स से निकली, टकरा टकरू के सारा कुछ काम होने के बाद एक्सरे जब डिटेक्टर पे आई ना, तब डिटेक्टर ने देखा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है देखना, कुछ अलग चीज़ हो रहा है। डिटेक्टर ने बोला कि जो अब ये तो आपती तरंग दैर्ध्य थी, अब यहाँ से क्या हुई, स्कैटर्ड हुई, अर्थात हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रकीर्णित हुई, क्या हुई बेटा, प्रकीर्णित हुई, प्रकीर्णित होकर, ये लीजिए होकर, जब संसूचक पे आई तब पता चला कि लैम्डा क्या हो गया, बदल गया, अब लैम्डा पहले जैसा नहीं रहा, अब लैम्डा पहले जैसा नहीं रहा है ना, मतलब क्या हो गया, अब लैम्डा बदल गया, बदल गया मतलब व्यवहार में क्या आ गई, उसके परिवर्तन आ गई, पहला अच्छा था, ध्यान रखता था, अब लैम्डा तो ध्यान ही रखना छोड़ दिया, तो हुआ क्या, लैम्डा डैश आया, आया कि नहीं आया, लैम्डा डैश आया तो बताओ बदल गया, तो बदल गया तो बताओ क्या, अब 5450 ही रहेगी ना जी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अब लैम्डा बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, कितना हो गया, 5600 एंगस्ट्रॉम का हो गया। तो देखो यही क्या है, सारा का सारा कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट बोल दो, सॉरी या क्या बोल दो, कॉम्पटन इफेक्ट बोल दो, क्या कैसे बोलोगे, जब कोई एक्सरे किरण, ठीक है बेटा, किसी धातु पे आपतित करवाई जाती है तो प्रकीर्णित होकर जो हमें तरंग दैर्ध्य मिलती है, उस तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, पहली वाली तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। अब ये जितनी तरंग दैर्ध्य बढ़ी वो क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन, क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन, बेटा डेड डेड नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा नाम लिखता हूँ मैं, कॉम्पटन विस्थापन, बताओ कॉम्पटन विस्थापन का मतलब क्या, कॉम्पटन प्रभाव में, ठीक है,
तरंग दैर्ध्य में जो अंतर आता है या जो तरंग दैर्ध्य में डिफरेंस पैदा हो जाता है वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्टन विस्थापन। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, कॉम्प्टन विस्थापन को यदि मैं लिख दूँ लेमडा नोट से, लेमडा नोट से, तो बताओ क्या आएगा? बाद की लेमडा बढ़ गई ना, तो लेमडा डैश माइनस क्या कर दीजिए, लेमडा कर दीजिए, यही क्या कहलाएगा? कॉम्प्टन विस्थापन। दैट मीन्स तरंग दैर्ध्य में कितना परिवर्तन हुआ। आज थोड़ा गले में भी दर्द है बट करूँगा मैं वीडियो, जरूर समझाऊँगा, वीडियो कंप्लीट करूँगा, टॉपिक जरूर समझाऊंगा। ठीक है देखो बेटा, हाँ जो लेमडा में जो चेंज हुआ बेटा, या जो लेमडा विस्थापित हुई वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्टन विस्थापन ही कहलाएगा ना। तो बताओ यहाँ से अपन कॉम्प्टन विस्थापन निकालें तो कितना आएगा? 450 जोड़े 500, 500 में 100 जोड़े 600, तो यहाँ पे कॉम्प्टन विस्थापन कितना आ गया? 150 एंगस्ट्रॉम का। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से, सर आप देखना चाहो तो परिभाषा भी बना सकते हो और परिभाषा के साथ साथ एक मतलब एक एग्जांपल से समझा भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक आप सुंदर सा लेना चाहो तो क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरे साथ तो नहीं, अच्छी नहीं आएगी फोटो ना। ठीक है बेटा, अब देखो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे समझिए 0 डिग्री क्या है, 45 डिग्री क्या है और 90 डिग्री क्या है। देखो बेटा, 0 डिग्री का मतलब सीधे ही क्या होगी, आप सीधे आप तरंग है वो निकल रही है, एंगल कितना है? 0 है। दैट मीन्स अपन बोल दे कि भाई सीधे आई और सीधे निकल गई, लेमडा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब यदि लेमडा मान लीजिए प्रकीर्णित हो गए थीटा डिग्री, 45 डिग्री पे आई, तब हमने देखा कि हाँ कितना हो रहा है, लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ रहा है मतलब लेमडा मतलब कॉम्प्टन शिफ्ट मिल रहा है। फिर यदि थीटा चेंज करके देखा तो मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग लेमडा क्या हुआ, चेंज हुआ। बट ओवरऑल बोल सकते हैं कि हाँ हर बार लेमडा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, अब अपन लिखेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट की परिभाषा। बताओ कैसे बनाए कॉम्प्टन इफेक्ट की परिभाषा? अभी इतना कुछ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्टन इफेक्ट की परिभाषा क्या होगी? सॉरी बोलो बेटा, आप बोलते रहो मन मन में, भाई टॉपिक तो आप ही का है ना, एग्जाम आप ही का है, लिखना ही आपको है, भले ही सुनाई नहीं दे रहा हो लेकिन मन मन में तो बोल ही सकते हो, बना तो सकते ही हो ना। बताओ, बनाते रहो, देखो देखना हम और आप कैसे ही बना रहे हैं। परिभाषा में बनाएं कि जब कोई प्रकाश की किरण या एक्स रे किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो प्रकीर्णन के बाद तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के बाद आपतित तरंग दैर्ध्य का मान, पूरा ही लिख दीजिए ना, आपतित तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है बेटा? प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य से क्या होता है? कम होता है। हाँ सही बात है, आपतित तरंग दैर्ध्य का मान प्रकीर्णित से क्या होता है? कम होता है, अर्थात प्रकीर्णन का क्या होता है? ज़्यादा है, प्रकीर्णित से कम होता है। या बोल सकते हो कि प्रकीर्णित किरण का मान आपतित तरंग से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रभाव क्या कहलाएगा? कॉम्प्टन प्रभाव कहलाएगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेमडा में है ना, वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? कॉम्प्टन इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है बेटा, कॉम्प्टन पढ़ा, कॉम्प्टन इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या कॉम्प्टन जो इफेक्ट है उसको क्या पढ़ेंगे, एज ए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और पूरा कॉम्प्टन टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा, ये आज थोड़ा और बढ़ा दें फिर कल स्टार्ट करवा देते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलिए आज एक बात बताइए। चलो अच्छा भाई, याद आ गया, एक बहुत मुश्किल टर्म लिख रहा हूँ, इतनी मुश्किल कि आपको याद हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी HC/λ। ये लो बेटा, आज केवल इतना ही बताऊँगा, गले में खराश है क्योंकि फिर वीडियो ही ख़राब हो जाएगा पूरा, है ना।
न्यू का मतलब होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है बेटा, ओके सर। अब बताओ सर, मान लीजिए ये एनर्जी आपतित तरंग की है, ये एनर्जी आपतित तरंग की, ये लीजिए इंसिडेंट वेव की, इंसिडेंट वेव की, बेटा ये जल्दी करो आओ, ये इंसिडेंट वेव की है और बाद में लैम्डा बढ़ जाती है ना, तो इसको ई बोल दो, इसको बोल दीजिए बेटा ई डैश, है ना, बाद में लैम्डा बढ़ गई, मान लीजिए कितना हो गया लैम्डा डैश हो गया, तो बताओ लैम्डा नीचे आ रहा है ना, लैम्डा ये बढ़ जाता है और ये कम रहता है, दैट मीन्स पहले तो एनर्जी ज़्यादा, फिर एनर्जी, अब लैम्डा बढ़ गया तो नीचे वाली टर्म बढ़ गई, तो हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब पहले एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है और फिर एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है, अर्थात प्रकीर्णन में क्या होती है एनर्जी का ह्रास होता है ना, सॉरी बेटा कल ही पढ़ा पाऊंगा।